स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मदानी आज आपको पढ़ाने वाला हूं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इफ टेन ए इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। बड़ा कंफ्यूजिंग है और कंफ्यूजिंग चीजें दी हुई है। उसे एक साथ मारते हैं गोली, उसे साइड पर रखते हैं। अभी फर्स्ट और सेकंड को हम बात करते हैं नाइन वाले की, कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब हमारा जो राइट एंगल है वो बी पर है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ऐसे फिगर बना के रखी है ताकि हमें थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो। इफ टेन ए इज इक्वल टू 1/√3, ओके। अब देखो, हमारे पास 10a, उसके बाद वो लोग ने एक रिलेशन दिया है, उसको सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग 10a से परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस वगैरह निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या लिख दोगे आप, तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे इन ट्राइंगल ABC 10a इज इक्वल टू 1/√3। क्या दिया हुआ है, 10a इज इक्वल टू 1/√3। तो टेन ए का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो दैट इज बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√3। मीन्स बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा के एन ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा √3 के। ठीक है, बी सी आ गया के और ए बी आ जाएगा √3 के। सो इसका मतलब आप लोग क्या करोगे, तो ए बी यहां पर लिख दिया आपने √3 के और बी सी लिख दिया के। अब यहां पर आप लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, क्योंकि एक कॉमन सी चीज हम लोग करते जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो जैसे कि बात कर लो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, अदर साइड स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ए सी हमें पता नहीं है तो ए सी स्क्वायर, ए बी हमें कितना दिया हुआ है के स्क्वायर प्लस ये कितना दिया हुआ है √3 k² ठीक है। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर √3, मतलब कितना हो जाएगा 3। अब स्क्वायर इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी, मतलब √3 का, तो के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर। सो देखो, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होगा, तो 3+1 कितना हो जाएगा 4 k² सो ए सी इज इक्वल टू √4 k² सो ए सी इज इक्वल टू 2 k सो ए सी कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 2 k मीन्स आपका जो एसी है उसका आंसर आ गया, 2 k। यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सबको। ये तो बड़ा ही कॉमन चीजें हैं, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब मेन बात है यहां पर साइन ए कॉस ए साइन सी और दूसरी है कॉस सी। अब आप बोल रहे हो सर ये सब क्यों फाइंड करवा रहे हो। अरे बच्चों, आपको जो क्वेश्चन दिया है ना, यही सब चीजें में मतलब घुमा फिरा के दिया है, ये रिलेशन बना के दिए। तो पहले हम लोग साइन ए कॉस ए कॉस सी साइन सी अलग से फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मतलब ए है, मीन्स थीटा हमारा ए पर है, तो अपोजिट अपोजिट हो जाएगा 1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा 2, मतलब 1/2। फिर है कॉस एडजेसेंट, मतलब √3 अपॉन यहां पर 2। अब देखो, थीटा को शिफ्ट कर दिया ए पोजीशन से, कौन सी पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया, सी पोजीशन पर, मतलब थीटा यहां पर चला गया। अगर थीटा यहां पर चला जाता है, इसका मतलब साइन सी ये बन जाएगा अपोजिट, तो दैट इज √3 और ये आपका अपोजिट बन जाएगा और ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, वही रहेगा। तो ये अपोजिट या हाइपोटेनियस, तो ये बन जाएगा एडजेसेंट, मतलब 1/2, हाइपोटेनियस तो 2 ही रहेगा।
तो देखो जैसे आपकी थीटा मतलब अल्फाबेट बदलेगा तो थीटा की पोजीशन भी बदलती रहेगी, और थीटा की पोजीशन अगर बदलेगी तो इसका मतलब आपके रेशियो भी बदल जाएंगे। अब अगर आगे हम लोग बात करें तो हमें जो दिया है उसे सॉल्व करने की बात करते हैं। हमें दिया हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है भाई, वैल्यू रख दो, ज्यादा मगज मारे नहीं। साइन ए वैल्यू है 1/2, इसको ब्रैकेट में रख दो, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई का सहारा, डॉट से इंडिकेट होता है यहां पर मल्टीप्लाई, 1/2। बड़ा सिंपल, बढ़िया है, एकदम सिंपल है, √3/2। और साइन सी, तो साइन सी कितना है, √3/2। क्या बात है, सब सेम आ रहा है। तो 1 1 1, 2 2 4, √3 × √3 = 3। क्या सर घर से लेके आए, घर से नहीं भाई, √3 × √3 = √9, और √9 का आंसर आता है 3, मतलब 3, 2 2 4, तो 4, 1 + 3, 3 + 1, 4/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, मतलब पहला इवैल्यूएशन आ गया आपका 1। तो यहां पर ही साइड से दूसरा चालू करता हूं, तो सेव स्पेस, ये आपका फर्स्ट वाला था, ये अब सेकेंड वाला है। सेकेंड वाला दिया हुआ है cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, cos A cos C sin A sin C, तो cos A, चलो भाई cos A है √3/2, ओके, इनटू डॉट डालते हैं, ब्रैकेट नहीं डालता हूं, टेंशन नहीं, सेम ही है, cos A cos C 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2। तो √3 × √3/4, और ये भी √3/4, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसल कर दो, कैंसल करोगे तो आंसर 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो कितना सिंपल सम था, लेकिन यहां पर सम में एक ही ट्विस्ट था कि ये जो थीटा था वो यहां पर जाना पड़ता है, क्यों, बिकॉज जब अल्फाबेट चेंज होता है, इसका मतलब थीटा की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये चीज अगर आप सिंपल चीजें ध्यान में रखोगे तो आपको पूरा सम इजी लगेगा। आप लोग इसको पॉज करके आपकी नोटबुक के अंदर कॉपी डाउन कर लो। सो आई होप आपको मेरा टीचिंग समझ में आया होगा। अगर टीचिंग समझ में आया है तो लाइक करके एक मोटिवेशन जरूर करना, चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।